हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी सेकंड कावेरी से चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, फिर आपको एक्सट्रैक्ट बताऊंगी, उसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। चलिए, ये आपकी पुस्तक कावेरी है। अब इसका देखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हिंदुस्तान हमारा है। इस कविता में कवि हमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए कहता है कि जब से सूरज चांद बने हैं, हिमालय से अनेक नदियां निकली हैं, तब से करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाला ये भारतवर्ष हमारा है। यहाँ पर प्रकृति की अनूठी छटा देख छटा कहते हैं सुंदरता देखने को मिलती है। पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का खजाना छिपा है। यहाँ पर जन्मी महान आत्माओं ने निस्वार्थ भाव से भारत माता की सेवा की है। ये इसका प्रसंग है बच्चों। अब मैं आपको एक एक लाइन का एक्सप्लेन करके बताती हूँ। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विद्वल वितान तने, जिस दिन नभमय तारे छिपके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है ये देश हमारा, ये अभिमान हमारा है। इसमें बच्चों ये बताया गया है कि कोटि कोटि माने करोड़ों कंठों माने गलों से ये आवाज निकली है, यही स्वर धारा कहते हैं, आवाज निकली है कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। जिस दिन सबसे पहले हम नींद से जागे तो हमने क्या देखा कि नव सृजन कहते हैं निर्माण, कि नई नई चीजों को बनाने का हमारे अंदर सपना जागृत हुआ। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, विमल कहते हैं साफ और वितान कहते हैं विस्तार। तो जिस दिन हमने देखा कि देश माने देश और काल माने समय के दो दो विस्तार हमारे सामने खड़े हुए थे, कि हमारे सामने बहुत सारे नवीन निर्माण के सपने सजे हुए थे। जिस दिन नम तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से ये भारत देश के, जब से आकाश में तारे हैं, जब से सूरज और चांद है, तब से ये हमारा देश हमारा अभिमान हमारे साथ है। सतलुज ब्यास चिनाब बितस्ता यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदियारे लोचन अपने, इसी नवतले उसने देखे सत्सल नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर, यहाँ स्वधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। हाँ तो बच्चों इसमें ये बताया गया है कि जब से मानव ने पहला मानव जो था उसने अपने निंदियारे कहते नींद से भरे हुए लोचन कहते नेत्र को खोले, तो उसने देखा कि नवतले माने आकाश के नीचे बहुत सारे नवीन निर्माण के सपने उसके आगे बसे हुए। तो क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो जो है दिन पे दिन एक नया ही आविष्कार करने की सोचता है। यहाँ उठे स्वाहा के, परंतु कुछ ऐसा था कि किसी में विध्वंस की भावना थी और कहीं पर जो है वो स्वधा कहते हैं कि जो के हवन की अग्नि में जो सामग्री डाली जाती है और उस समय जो मंत्र बोला जाता है तो उसमें जो है वो स्वाहा का स्वर सुनाई देता है और तब हम उसमें अग्नि में जो है वो सामग्री डालते हैं, उसको कहते हैं स्वाहा के स्वर। और के स्वाहा मतलब जो पुरानी सारी चीजें थी उसको खत्म कर देने का स्वर था और नवीन निर्माण का सपना उसके सामने था। ऐसा प्यारा देश पुरातन, पुरातन कहते प्राचीन, ज्ञान निदान माने ज्ञान का निदान कहते खजाना, हमारा देश भारत है। सतलुज ब्यास चिनाब बितस्ता रावी सिंधु तरंगवती, ये गंगा माता ये यमुना गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सलता उमंगमती, इससे प्लावित देश हमारा ये रसखान हमारा है। रसखान कहते हैं रसों की खान। ये सब नदियों के नाम है, सतलुज ब्यास चिनाब बितस्ता रावी सिंधु, ये सब जो है वो अपने तरंगों से और ये गंगा माता यमुना अपनी लहर से और गहर से सब जो है वो सब में रसपूर्ण वातावरण उत्पन्न करती हैं, अपना हमारे देश की
धरती को, हमारी फसल को उपजाऊ बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो है वो नदियां, एक प्लावित देश हमारा, मतलब इन सब नदियों से ही हमारा देश जो है वो सिंचित होता है, मतलब हमारे देश में इन्हीं नदियों से और हमारे देश की फसल को पानी दिया जाता है। ये रसखान हमारा, ये रसों की खान हमारा देश भारत है। आगे देखिए, बिंद सतपुड़ा नागा खसिया, ये दो ओघट घाट महा, भारत के पूर्व पश्चिम के ये दो भीम कपाट महा। ऐसा लगता है कि इस हमारे भारत रूपी देश के बिंद और सतपुड़ा, नागा और खसिया, ये दो ओघट कहते जो कभी ना घटने वाले हमारे दो घाट के समान है, कि जैसे कहीं सागर के दो घाट के समान है। पूरब और पश्चिम दिशाएं जो है वो भीम कहते हैं, बड़े बड़े कपाट कहते हैं, द्वार के समान है, कि दो तरफ हमारे इस संसार रूपी घर के दो कपाट के समान है। तुंग श्रृंग चिर अटल हिमालय पर्वत सम्राट यहाँ ये गिरवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। तुंग श्रृंग मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाला, चिर अटल माने हमेशा, अटल माने अपनी जगह पर स्थिर रहने वाला, ये हिमालय पर्वत यहाँ पर गिरवर कहते हैं, जो पहाड़ से युगों से विजय निशान हमारा है, कि ये हमारी विजय की पताका के समान है, विजय के निशान के रूप में हिमालय जो है वो अटल रूप में खड़ा हुआ है। अटल कहते हैं जो कभी भी ना इधर उधर होने वाला, अपनी जगह से ना हिलने वाला। क्या गणना है कितनी लंबी, हम सबकी इतिहास लड़ी, हमें गर्व है बहुत ही गहरे, अपनी नींव पड़ी, हमने बहुत बार सिरजी हैं, कई क्रांतियां बड़ी बड़ी इतिहासों ने किया सदा ही, अतिशय मान हमारा है। हाँ, तो इसमें लास्ट लाइन में ये कहना चाह रहा है कवि कि क्या गणना है कितनी लंबी, हम सब की इतिहास लड़ी, के हमारा जो इतिहास है वो क्या बताता है कि पिछले समय में हमारे देश में क्या क्या हुआ है, तो उसकी गणना इतनी लंबी है कि उसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत है। हमें गर्व है बहुत ही गहरे, अपनी नींव पड़ी, के हमारी नींव कहते हैं जो वेश होता है, कि वो इतना गहरा है कि वो हमें उस पर इतना गर्व है कि हम अच्छे से मजबूती के साथ अपने देश में खड़े हुए हैं। बहुत बार सिरजी है, नई सिरजी कहते हैं निर्माण करना, नई कई क्रांतियां बड़ी, हमने कई सारी क्रांतियां कहते हैं लड़ाइयों, और अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं, इतिहासों ने किया सदा ही, अतिशय मान, अतिशय कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और इतिहास ने सदा ही हमारे गौरवपूर्ण गाथा को गा करके, हम बता करके आगे आने वाली पीढ़ी को और हमारे देश का मान हमेशा गर्व से ऊंचा किया है। बच्चों, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की लिखी हुई कविता है। बच्चों, मैंने ये पूरी कविता का सारांश आपको दिया है, इसे आप पढ़ कर समझ सकते हैं। इस कविता में कवि ने भारत भूमि के इतिहास, संस्कृति और यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटा के, प्राकृति में जो जो चीजें हैं उसके दर्शन कराए हैं। कवि कहता है कि जब से सूरज चांद बने हैं तभी से ये भारतवर्ष हमारा है, यहीं सबसे पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ, यहीं मानव ने नवीन स्वप्न देखे, ज्ञान का सृजन किया, ज्ञान सृजन कहते हैं निर्माण किया। हमारा ये प्राचीन देश हमें बहुत प्रिय है, हमारा भारत, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा जैसी नदियों की विपुल जलराशि से परिपूर्ण है, मतलब इतनी सारी नदियां हमारे देश में बहती हैं। बिंद सतपुड़ा नागा खसिया पर्वत हमारे भारत के दो द्वार के समान है, द्वार कहते हैं दरवाजे के समान है, पर्वत हिमालय पर्वत युगों से हमारी विजय का प्रतीक बना हुआ है, अपनी जगह पर अटल है। हमारे भारत का इतिहास इतना लंबा है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती, यहाँ बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, इतिहास ने हमारा सदा ही सम्मान किया है, हमें अपने भारत पर बहुत ज्यादा गर्व है। तो इसमें बच्चों स्वदेश प्रेम की भावना बताई गई है कि इस देश से हमें अपने कितना प्रेम है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमारा पूरा परिवार के समान